जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। यार इंडिया पे दो चार ही कंपनी है जो कि 10,000 के अंदर अच्छा अच्छा मोबाइल लॉन्च करता है। एक है रेडमी जो कि कुछ दिनों से 10,000 के अंदर मोबाइल लॉन्च नहीं किया है, रियलमी है जो कि दो चार स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, और इन्फिनिक्स है जो भी काफी सारा स्मार्टफोन को इंडिया पे 10,000 के अंदर लॉन्च किया है, और एक है टेक्नो जो कि काफी सारा स्मार्टफोन जो है इस साल भी 10,000 के अंदर लॉन्च किया है। अगर आप टेक्नो स्पार्क सीरीज देखेंगे तो स्पार्क 5 प्रो और टेक्नो स्पार्क पावर 2 भी इस साल लॉन्च किया है जो कि काफी अच्छा मार्केट कर रहा है। मतलब टेक्नो जो है अच्छा फीचर्स तो देता है, थोड़ा कंजूसी कर जाता है चिपसेट में, लेकिन सही में बहुत ही अच्छा मोबाइल लॉन्च करता है। तो टेक्नो जो है अपना स्पार्क सीरीज का और एक स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च करने जा रहा है, और इसका जो है टीजर वीडियो निकल के आ गया है, और ये फोन है टेक्नो स्पार्क 6AR। और इस फोन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, इस फोन का प्राइस क्या होगा, लुक डिजाइन कैसा रहेगा, और इस फोन में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, और ये फोन आपको कहां पर मिलेगा। तो चलिए सब कुछ जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल का घंटा है उसको भी दबा दीजिए। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं पिछले एक वीडियो में कहा था कि इंडिया पे कुछ कुछ कंपनी ऐसा है जो कि डर के मारे मोबाइल लॉन्च नहीं करता है क्योंकि अच्छा चिपसेट और प्रोसेसर नहीं दे पाता है, अच्छा मार्केट नहीं कर पाता है। लेकिन इस जगह पे अगर आप टेक्नो और इन्फिनिक्स को देखेंगे तो ये दो कंपनी सेम चीज़ कर रहा है। टेक्नो और इन्फिनिक्स जो है अच्छा चिपसेट यानी प्रोसेसर नहीं देता है, लेकिन बाकी सारे फीचर्स बहुत ही बेहतर देता है, इसलिए काफ़ी अच्छा मार्केट करता है। इस जगह पे टेक्नो और एक जो है टेक्नो स्पार्क सीरीज का, मतलब टेक्नो स्पार्क 5 सीरीज का सक्सेसर हम लोग कह सकते हैं, टेक्नो स्पार्क 6AR फोन लॉन्च करने जा रहा है। और अगर आप टेक्नो इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में जाकर चेक करेंगे तो उस जगह पे ऑफिशियली एक टीजर वीडियो पोस्ट किया गया है जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि टेक्नो अपना स्पार्क सीरीज का नया स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 6AR जो है लॉन्च करने जा रहा है, मतलब कमिंग सून है। और उस जगह पे एक हैशटैग भी लगाया गया है, हैशटैग बेस्ट बैटरी, यानी बड़ा बैटरी आपको इस मोबाइल में मिलेगा। लेकिन कोई भी फोटोज़ नहीं निकल के आया है इस मोबाइल के बारे में, और कुछ भी फीचर्स अभी तक जो है लीक्स नहीं निकल के आया है। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि टेक्नो स्पार्क जो AR फ़ोन है ना, ये लास्ट इंडिया पे आया था टेक्नो स्पार्क 4AR, उसके बाद 5AR इंडिया पे नहीं आया था। 5 सीरीज का जो फ़ोन आया था टेक्नो स्पार्क 5 और 5 प्रो आया था, लेकिन 5AR नहीं आया था। तो इस जगह पे टेक्नो स्पार्क 5AR जो है ग्लोबली या फिर बहुत सारा कंट्री में लॉन्च किया है, लेकिन इंडिया पे लॉन्च नहीं किया है। तो शायद वही फोन इंडिया पे टेक्नो स्पार्क 6AR के नाम पे लॉन्च हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। मैं अपना अनुमान के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि इस मोबाइल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा, तो टेक्नो स्पार्क 5AR जो कि ग्लोबली या फिर दूसरा कंट्री में लॉन्च हुआ है, उस मोबाइल में आपको 7 इंच का यानी 7 इंच का बहुत बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। तो इस मोबाइल में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा आपको डिस्प्ले मिलेगा फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, और अगर आप बैक साइड में जाएंगे तो आपको ड्यूल रेयर कैमरा का सेंसर मिलेगा, लेकिन उसमें आपको 3-3 कैमरा का सेंसर देखने को मिलेगा, जिसमें 2 सेंसर है, साथ में LED लाइट भी है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको जो है बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। 4 कलर में इस फोन को लॉन्च किया जाएगा, चारों कलर मुझे देखने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। और ये जो फोन है टेक्नो स्पार्क 5AR अगर होगा तो क्या क्या फीचर्स होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वाटर ड्रॉप नॉच वाला आपको डिस्प्ले मिलेगा जो कि रहेगा HD प्लस रेजुलेशन वाला, 720x1640 पिक्सल का आपको रेजुलेशन मिलेगा, इसमें गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट नहीं रहेगा। अगर कैमरा की बात करें 13+ AI सेंसर दिया जाएगा, साथ में ट्रिपल यानी 3-3 LED लाइट दिया जाएगा। फ्रंट सेल्फी की बात करें तो आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, साथ में ड्यूल LED लाइट आपको देखने को मिल जाएगा। टेक्नो और इन्फिनिक्स जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है क्योंकि सेल्फी में भी आपको LED लाइट देता है। और इस जगह पे अगर बात करते हैं बैटरी का, तो आपको जो है 5000 mAh का बहुत बड़ा बैटरी मिलेगा, तो बैटरी में कोई कंप्रोमाइज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। साथ में आपको 2GB का रैम मिलेगा और 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा, तो ठीक ठाक है। और इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बात करते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, साथ में आपको iOS 6.0 इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, साथ में आपको माइक्रो USB का सपोर्ट मिलेगा, 3.5mm का हेडफोन जैक मिलेगा, 2 SIM के साथ आप माइक्रो SD कार्ड भी यूज कर पाएंगे। और चिपसेट यानी प्रोसेसर की बात करूँ तो ये कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, शायद इस मोबाइल में आपको MediaTek कह लियो A22 या फिर A25 का चिपसेट देखने को मिल सकता है, बहुत ही नॉर्मल सा चिपसेट आपको मिलेगा क्योंकि इंडिया पे बहुत ही सस्ते में, मतलब कम प्राइस में इस फोन को लॉन्च किया जाएगा। और अभी तक जो भी फीचर्स मैं आपको बताया सारे फीचर्स लीक्स के ऊपर था, कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि जो ग्लोबली या फिर दूसरा कंट्री में
जो टेक्नो स्पार्क 5 AR को लॉन्च किया है, वही शायद टेक्नो स्पार्क 6 AR करके इंडिया पे लॉन्च होने जा रहा है। अगर कुछ फीचर्स चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब सारे फीचर्स ऑफिशियली निकल के आ जाएगा और लॉन्च डेट कंफर्म हो जाएगा तो मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में वाला घंटा है उसको भी दबा दीजिए, और अपना ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो से जाने से पहले ये वाला वीडियो देख लेना, और आप चाहे तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।